मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर और जोधपुर के बाद अब उदयपुर में भी स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। वे गुरुवार को गांधी ग्राउंड में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि मैं चाहता हूं आदिवासी छात्रों का टैलेंट निखरे, वे भी लिम्बाराम की तरह नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्पोर्ट्स स्कूल का काम शुरू हो जाएगा। गहलोत ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक में आदिवासी अंचल के बच्चों को खासा उत्साह देखा गया। अब 26 जनवरी से शहरी ओलंपिक शुरू होंगे। हम प्रयास करेंगे कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण भी लगवाए जाए जिससे बेहतर तैयारी हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहर में 2 फ्लाईओवर का गुरुवार को लोकार्पण किया। पहले कुमारों का भट्टा फ्लाईओवर और फिर सेवाश्रम फ्लाईओवर की शुरुआत की। दोनों फ्लाईओवर के संचालन से आसपास क्षेत्रों में यातायात का दबाव कम होगा ऐसा माना जा रहा है। सेवाश्रम फ्लाईओवर 19.55 करोड़ रुपए और कुम्हारों का भट्टा फ्लाईओवर का निर्माण 19.86 करोड़ रुपए में हुआ है। इस दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा, राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण अध्यक्ष सुरेंद्र जाड़वत, वल्लभ नगर विधायक प्रीति शक्तावत, धारियावाद विधायक नगराज मीना और नगर निगम महापौर जीएस टाक मौजूद थे। यहां मुख्यमंत्री ने युवाओं से संवाद किया। रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश में युवाओं को निजी और सरकारी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने वाला अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान 11.04% की GDP वृद्धि दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है।